दोस्तों, ये है रानी पद्मावती का किला, जिसमें रानी पद्मावती रहती थी। चित्तौड़गढ़ में है ये। अभी हम घूम रहे हैं चित्तौड़गढ़ किला। तो ये वो है जल महल जिसे कहते हैं। चारों तरफ इसके पानी है और बीच में ये महल बना है। जल महल किसके नाम से मशहूर है ये, इसमें रानी पद्मावती रहती थी। अच्छा है, काफ़ी देखने में अच्छा है। और चित्तौड़गढ़ का किला काफ़ी बड़ा है, बहुत बड़ा है। घूमने में काफ़ी इंटरेस्टिंग मज़ा आ रहा है यहाँ पर ना। जौहर कुंड है यार, आराम से चलना, आराम से धीरे। ये है विजय स्तंभ। दोस्तों, ये है जौहर स्थल। असल में मूवी में जो दिखाया गया है वो गलत है। जौहर स्थल जो है वो ये है रियल में। गवर्नमेंट ने जो है इसको ग्राउंड बना दिया गया है। असल में ये इस टाइम पर ऐसा दिखता है। और हम जो मूवी में देखा कि पद्मावती नाम बताया गया, रियल में उनका नाम पद्मनी था। ये है लड़ाई का मैदान है, जहाँ खिलजी ने तंबू बुलाकर लड़ाई के लिए आगाज किया था। सूरज पोल, नीचे कहाँ है? ये है सूरज गेट, सूरज पोल गेट। नीचे इसने है तक ये वसी रास्ता, मेन दरवाजा है किले का, सूरज पोल गेट। अभी हम लोग हैं कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़। ये है कीर्ति स्तंभ। इसे बहुत अच्छे तरीके से तराशा गया है। 7 मंजिला है ये। बहुत ही खूबसूरत है। और ये मंदिर है। ये सामने म्यूजियम है, म्यूजियम जाएंगे अभी हम थोड़ी देर में। इसके बाद में एक सामने नज़र आता है कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ तो ये यहाँ पर है, हम तो वो है, लेकिन अभी हम जाएंगे विजय स्तंभ, जो सामने देखो एक टावर की तरह नज़र आ रहा है ये। ये है विजय स्तंभ, यहाँ जाएंगे, ये भी दिखाएंगे आपको। ये राजा लोगों ने बनवाया था। फिलहाल हम हैं कीर्ति स्तंभ पे। बना हुआ अच्छा है। ये कुछ पत्थर रखे हुए हैं, नक्काशी हुए हुए काफ़ी पुराने समय के। ये पूरा जौहर कुंड मैदान है, जहाँ पे रानी पद्मावती ने जौहर किया था। Thank you.
ये जगह है कुंड, और इस समय के हिसाब से कुंड के अंदर नहाना, कपड़े धोना सब वर्जित है। हम जा रहे हैं कुंड देखने के लिए। रियाज भाई आगे आगे दौड़ रहे हैं, और अब हम आपको दिखाते हैं कुंड। सीढ़ियों का रास्ता है, वैसे यहाँ से पूरा चित्तौड़गढ़ नजर आ रहा है। यह कुंड उस साइड से, और यहाँ पर होगा जोर उन्होंने। यह दोस्तों जौहर का उत्तरी द्वार। मैं आपको एक बार और बता दूं, आपने पद्मावती मूवी देखी होगी तो कुछ लोगों को मालूम नहीं है, वो आज भी पद्मावती करते हैं, पद्मावती एक किला, लेकिन रियल में पद्मावती नहीं है, पद्मनी नाम है। पद्मनी नाम है, तो आप जो है पद्मनी ही याद रखिए। पद्मावती है, हाँ रानी पद्मनी नाम है उनका, तो आप जो है रानी पद्मनी नाम याद रखिए। दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।